अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 10 न्यूमेरिकल नंबर 10.9 है हमारे पास, जिसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 50 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस अ वेव हुज वेव लेंथ इज 40 मिलीमीटर। फाइंड टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। के एक हमारे पास एक एंड से रिपल टैंक के जिसकी लेंथ तकरीबन 80 सेंटीमीटर बन रही है, उसके अक्रॉस जो है वो 50 हर्ट्ज जो तक जो वाइब्रेटर प्रोड्यूस कर रहा है वेव्स, वो ठीक है, जिसकी वेव लेंथ 40 मिलीमीटर बन रही है। और हमने क्या फाइंड करना है कि कितना टाइम लगाएगी वेव उस टैंक को क्रॉस करने में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। गिवन यहाँ पे है जी हमारे पास लेंथ ऑफ वाइब्रेटर, इज इक्वल टू एल विच इज़ इक्वल टू एस विच इज़ इक्वल टू कितना है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर को हमने क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, 80 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ये 0.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। हमने नेक्स्ट वर्ड गिवन क्या लिखना है जी, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज, ये उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वेवलेंथ, वेवलेंथ विच इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर। ठीक है, अब मिली को हम प्रीफिक्सेस का लिख लेते हैं। मिली का प्रीफिक्स होता है 10^-3, तो ये हमारे पास वेव लेंथ कम्प्लीट होगी। ठीक है, अब हमें टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए हमें सबसे पहले वी की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, टाइम हमने यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अब टाइम के लिए हमें चाहिए होगा वी की वैल्यू, तो वी के लिए एक फार्मूला यूज़ होता है। सो वी इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, यहाँ पर हम एफ की और लेमडा की वैल्यू पुट करते हैं, 5 × 40 × 10^-3, तो ये v इज़ इक्वल टू आ जाएगा 200 × 10^-3। इसको मल्टीप्लाई करने से 200 आ गया। ठीक है, तो ये v की वैल्यू ऑलमोस्ट बन जाती है 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये v भी कंप्लीट हो गया। अब हमें चाहिए t, तो t हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या फार्मूला पुट करके। आपको पता है एक फार्मूला s विच इज़ इक्वल टू वी टी, यहाँ से हम बना लेंगे किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू। टी को इधर ही रहने देते हैं, वी उधर ले जाते हैं नीचे, तो ये आपके पास बन जाएगा टी इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वी। वी उधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाकर डिवाइड करवा दिए। ठीक है, तो ये टी इज़ इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा, एस की जगह उसकी वैल्यू कितनी है जी, 0.8 मीटर डिवाइडेड बाय वी की वैल्यू कितनी है, 0.2। तो ये टी इज़ इक्वल टू आपके पास ऑलमोस्ट आ गया 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड टी टाइम पीरियड हमारे पास आएगा उस वेव्स को जो है वो टैंक क्रॉस करने में। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.10, लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, व्हाट इज़ दी वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 90 मेगा हर्ट्स, वेयर 1 मेगा इज़ इक्वल टू 10^6 एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज़ 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि एक वेव लेंथ हमने बतानी है रेडियो वेव्स की, जो कि ट्रांसमिट कर रहा है एफएम स्टेशन से 90 मेगा हर्ट्स तक। ठीक है, जबकि उसने यहाँ पे यह भी बताया कि 1 मेगा कितने के बराबर है, और स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स की वो किसके बराबर है, वो इसकी वैल्यू अभी गिवन है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले गिवन कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स किसके बराबर आ जाती है, इसको एफ से डिनोट करते हैं, और ये बराबर बन जाती है 90 मेगाहर्ट्ज़ के। ठीक है, और मेगा का आपको पता है प्रीफिक्सेस कितना होता है, 90 × 10^6 एच जेड आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ जस्ट हमने मेगा की जगह 10^6 लिख दिया, जो कि उसका प्रीफिक्स है। अब स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स भी गिवन है,
वो कितनी है? एज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अब ये भी हमारे पास गिवन था, हमने लिख दिया। अब वेव लेंथ ऑफ हम रेडियो वेव्स हमने फाइंड करना है। टू फाइंड वेव लेंथ ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास लेमडा, जो कि हमने फाइंड करना है। अब एक फार्मूला आप यूज़ करते हो, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है, क्योंकि लेमडा की वैल्यू चाहिए तो एफ को उस तरफ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा लेमडा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एफ। अब वी की वैल्यू और एफ की वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ और एफ़ की वैल्यू क्या है हमारे पास, 90 × 10⁶। ठीक है, 10⁶ को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को यहाँ से कट कर लेंगे, 3 × 30 = 90। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/30, इसको अलग कर दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻, इसको ऊपर लेके जाओगे आपके तो 10⁻ −6 −6 दोनों जब ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक हो गया जी, अब इसको इसको डिवाइड कराओ तो ये आपके पास बनता है लेमडा इज इक्वल टू 0.0333 × 10⁻²। 10⁻²² आपको पता ही कितना होता है, ये ऑलमोस्ट 100 के बराबर बनता है। 100 को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे इसके साथ 0.033 के साथ, तो ये लेमडा की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 3.33 मीटर, ठीक है, जो कि वेव लेंथ है किसकी, उस रेडियो ट्रांसमिशन वेव्स की। ठीक है, यही हमने इसमें फाइंड करना था। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।